सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंस हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने कुछ परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन किया था और कुछ मैंने आपको होमवर्क भी दिया, तो आई होप सो आपने कर लिया होगा उसको। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो किया होगा। नहीं भी आता है तो मैं आपको पर्सनली आपको वो क्वेश्चन सेंड करूंगा ग्रुप पे, लेकिन आपको एटलीस्ट ये चेतना होनी चाहिए कि आप मुझसे पूछो, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कई दिनों से कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कांटेक्ट करते भी नहीं है। इवन दो मैं डीपी भी देता हूँ तो होमवर्क नहीं करते, तो प्लीज ऐसा ना करें। आप लोग प्लीज रेगुलर टच में रहें, आपको कुछ भी डाउट आता है पर्सनली यू कैन कॉल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ यू हैव एनी, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हम अपना टॉपिक क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं फिर से। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, अब परसेंटेज कंपोजिशन और मिक्सचर पे ही हम क्या करते हैं, फिर से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि 14.2 ग्राम 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ Mg2CO3 मिक्सचर ऑफ Mg2CO3 एंड CaCO3 एंड CaCO3 CS ऑन हीटिंग गिव्स सी। मैं कभी कभी डिक्टेट इसलिए भी करता हूँ कि इन केस कोई वर्ड इनविजिबल हो, मान लो हो सकता है कि कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से आपको नहीं, तो इसलिए एटलीस्ट जो बोलता हूँ उसको भी आप सुना करिए। 14.2 ग्राम मिक्सचर ऑफ Mg2CO3 मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स 3.36 लीटर ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ Mg2CO3 इन द सैंपल। तो सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं, दो रिएक्शन लिखेंगे, एक को जिसका निकालना उसको एक्स मानना, फिर उसके मोल्स के अकॉर्डिंग हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब समझो बात को, पहले मैं क्या करूं, दो रिएक्शन लिख लूं, मतलब Mg2CO3 ऑन हीटिंग इट गिव्स MgO+CO2, दूसरा क्या देता है CaCO3 tends to give CaO+CO2। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, अब जैसे लेट जिसका निकालना है हमेशा उसको क्या मानो, x मानो, तो ये x हो जाएगा, तो ये 14.2 माइनस है, क्योंकि इस मिक्सचर का टोटल वेट 14.2 ग्राम जो ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो लेट जिसका निकालना हमेशा हम क्या मानेंगे, उसको x मानेंगे। ये किस कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट सेशन का परसेंटेज कंपोजिशन जो करवाया था ना, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड, वो वही वाला क्वेश्चन, उससे से रिलेट कर रहा हूं मैं। ये x हो गया 14.2 माइनस x, तो ये जो होता है 24 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 48 ये मेरा हो जाएगा 84 MgCO, सॉरी इट्स नॉट एम, सॉरी माय मिस्टेक, ये मैं वही सोच रहा था, ये थोड़ा गड़बड़ है, ये MgCO3 होगा बेटा, प्लीज करेक्ट इट, MgCO3 होगा, राइट राइट, मुझे लग रहा था कि थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि देखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कार्बोनेट पे कौन सा चार्ज होता है, CO3 2 माइनस होता है, Mg+ ऑलरेडी है, तो ऑब्वियस बात ये नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस हो जाता है, x / 84। ठीक है, और ये 14.2 - x / 100, देखो ये वेट वेट था, वेट को मैंने मोल्स में कन्वर्ट किया, तो x / 84 14.2 - x / 100 ये मोल्स हो गए। अब CO2 के मोल्स कितने होंगे, CO2 के मोल्स भी कितने होंगे, x / 84 होगा और 14.2 - x / 100 ये भी CO2 के मोल्स होंगे। अब ऑलरेडी उसने CO2 के मोल्स कितने दिए, 3.36, तो टोटल CO2 के मोल्स आपके पास हो जाएंगे 8 x / 84 + 14.2 - x / 100 = अब आपके पास टोटल मोल्स लीटर के फॉर्म में है ना, 3.36 लीटर। तो याद है मैंने आपको क्या बोला था, जब भी अगर मोल्स दिए हैं, गिवन वॉल्यूम दिया हुआ गैस का, तो आप 22.4 डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू, देखो आगे कैलकुलेशन नहीं करो, इट विल टेक टाइम, तो यहां से एक्स की वैल्यू निकालो, तो परसेंटेज ऑफ MgCO3 आपके पास कितना हो जाएगा, तो दैट्स समथिंग बट एक्स / 14.2 * 100, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं।
अब आपको खुद से प्लीज कृपया करके आपको खुद से अटेम्प्ट करने सेम जिसका निकालना हो स्टैक्स मानो अगर ग्राम में दिया तो मोल्स में कन्वर्ट करो, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन सामने वाले का देगा, उसके उसके मोल्स निकाल के टोटल मोल्स पे ऐड करके उसको इक्वेट कर दो, यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को दे रहा हूं मैं, 2 ग्राम मिक्सचर ऑफ, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स मतलब CO3 2 माइनस एंड बाय कार्बोनेट्स, एंड बाय कार्बोनेट्स मतलब HCO3 माइनस कार्बोनेट्स एंड बाय कार्बोनेट्स। ठीक है फिर बच्चों, अब पहला जो होगा मेरा, देखो जनरली आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे बट मैं आपको लिटिल बिट आइडिया दे दूं कि कभी कभी बहुत सारे अच्छे जब कुछ बुक्स आप सॉल्व करोगे लाइक नरेंद्र अवस्थी वगैरह तो उसमें क्या होता है रिएक्शंस नहीं दी हुई थी तो आपको रिएक्शन खुद बनाने भी आने चाहिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला मेरा CO3 टू माइनस के बारे में, किसके बारे में, CO3 टू माइनस के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें तीन बातें याद रखना, कौन सी बात है, सोडियम Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और CS2CO3, इनपे कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है, मतलब आप इनको हीट भी करोगे तो देर विल बी नो रिएक्शन, मतलब इनका कोई रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ इसके लिए ग्रुप वन के कार्बोनेट के लिए, ग्रुप वन जो मेरा अल्कली मेटल होता है ना बेटा उनके लिए एक उनका कोई रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना, Hg2CO3 और Ag2CO3, Hg2CO3 और सॉरी Hg2 तो अलग हो गया, मर्क्यूरस हो गया, मर्क्यूरिक कार्बोनेट, मर्क्यूरिक कार्बोनेट। ठीक है, Ag2CO3 और HgCO3 जब इनको हीट करते हैं ना बेटा तो इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसमें क्या मिलता है, मेटल मिलता है, क्या मिलता है आपको, मेटल मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलता है। तो याद रखना सिर्फ इसी दो, ऐसा ये यही दो एक ऐसा मेटल है जिनको हीट करने पर इसी दो मेटल के कार्बोनेट, सिर्फ ये दो मेटल मतलब मर्क्यूरिक मर्क्यूरी कार्बोनेट और सिल्वर सिल्वर कार्बोनेट्स को जब भी आप हीट करते हो तो मेटल प्लस दो गैस मिलते हैं, वो गैस कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और तीसरी बात क्या, रिमेनिंग ऑल कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स ओनली CO2, मतलब इसके अलावा दूसरा गैस आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ कौन सा गैस मिलेगा, CO2 गैस मिलेगा। अब चाहे कोई भी चल, चाहे वो MgCO3 हो या CsCO3 हो, ये कुछ भी होगा तो एक तो इनके ऑक्साइड बनाएंगे, दूसरा क्या बनाएगा, CO2 गैस, तो गैस आपको सिर्फ CO2 ही मिलेगा, बाकी ये तो सॉरी नॉट MgO, ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब ये तो सॉलिड फॉर्म में ही होता है। आपने देखा होगा कि चौक का जब आप गर्म करते हो, मान लो जो व्हाइट चौक होता है ना, आप जब उसको गर्म करोगे बेटा तो उसमें हल्के हल्के क्या होते हैं, स्मॉल होल्स होने लगते हैं। स्मॉल होल्स क्या होते हैं, वो स्मॉल होल्स क्या होता है कि जो CO कैल्शियम कार्बोनेट जब आप हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाता है, तो ये इवेपोरेट हो जाता है तो स्मॉल होल्स फॉर्म करके निकल जाता है बाहर, तो उसमें बहुत छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वो जो आपके पास जो प्योर मटेरियल जो मिलेगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये याद रखना, बाकी कोई भी कार्बोनेट होगा वो आपको हमेशा क्या देगा, सिर्फ एक एक ही गैस देता, कार्बन डाइऑक्साइड, मर्क्यूरी कार्बोनेट और सिल्वर कार्बोनेट आपको क्या देता, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, और बाकी इनका कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता, मतलब Na2CO3 का आप हीट भी करते तो नो रिएक्शन, मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए है मेरा, वो है बाइकार्बोनेट, किसके लिए है, बाइकार्बोनेट HCO3-, किसके लिए मैं बता रहा हूं, HCO3- माइनस के लिए। ठीक है, तो याद रखना इसमें ऑल बाइकार्बोनेट कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस एंड CO3, मतलब बाइकार्बोनेट को हीट करने पर आपको कार्बोनेट और CO2 सॉरी CO2 गैस एंड H2O भी मिलता है, क्या मिलता है, कार्बोनेट CO2 एंड H2O। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करो NaHCO3,
ठीक है, इसको हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, Na (2CO3) में कन्वर्ट होगा, प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सॉरी कन्वर्ट नहीं होगा, CO2 गैस। मतलब ये सारी चीजें आपको बाय प्रोडक्ट मिलती है। तो याद रखना कोई भी बाय कार्बोनेट, एनी बाय कार्बोनेट आपको हमेशा प्रोडक्ट यही देगा। चलो आप जैसे बोले, सपोज करें MgHCO3 ट्वाइस, क्यों? क्योंकि +2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा -1 1 यहाँ पे आएगा, इसलिए MgSCO3। तो ये मैं जान रहा हूँ, तो बेसिक्स आप थोड़ा बहुत बोर्ड में भी पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो ये भी बाइकार्बोनेट, तो ये भी क्या देगा आपको, MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2। कोई भी बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पे उसका अपना कार्बोनेट फॉर्म करेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है? तो मैं यहां तक मान के चला हूं, आपके सारी चीजें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है? तो ये चीजें याद रखना बेटा, ठीक। और इसमें तो ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं। अब मैं ये से क्यों बताया, कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म होता है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन होना है, कौन सा मेरे लिए यूजफुल है या कौन सा यूजफुल नहीं है। इसलिए थोड़ा बहुत बेसिक्स मैंने आपको यहाँ बता दिया, हालांकि आप इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे डिटेल में, ये बस मैंने आपको लिटिल बिट एक कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है? नाउ अगर मैं अगली चीज की बात करता हूं, जैसे समझ बात को, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा दिमाग हमें लगाना नहीं है, इसलिए मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट का पढ़ाया। अब समझो, अब जिसको आइडिया नहीं होगा वो तो Na2CO3 को भी हीट करेगा। तो हमें अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि सोडियम बाइकार्बोनेट हीटिंग करने पे कोई रिएक्शन आपको नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा फंडा है कि Na2CO3 तो एज इट इज मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, लेट इसको फिर भी मैं एक्स मानता हूं। उसके बाद क्या दिया हुआ, NaHCO3। अगर ये x है तो बचेगा क्या दूसरा, 2 - x। ये क्या देगा आपको, ये आपको देगा Na2CO3 plus H2O plus CO2, ठीक है? अब आपको इंफॉर्मेशन किसके बारे में दी हुई है, 0.44 ग्राम CO2 के बारे में। अब इसको मैं लेग से कन्वर्ट कर लेता हूँ मोल्स में, तो 2 - x तो ये 23 plus 12 plus 48 plus 1, 3 2 5 8 5 13 1 दो सोडियम हो गया मेरा, कार्बोनेट कार्बन कितने है, दो कार्बन है मेरे पास, ओके। हाइड्रोजन कितने, दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने, 3 - 6 = 3, 3 - 3 = 6, मतलब रिएक्शन बैलेंस सब पूरी तरीके से। तो यही इतना ही मुझे क्या मिलेगा, 2 - x/84 ये भी मिलेगा। तो क्या ये 2 - x/84 किसके बराबर होगा, 0.44 / 44, मतलब 0.01। तो 2 - x = 0.01 × 84, मतलब 0.84। 2 - x, तो x is equal to क्या होगा, 2 - 0.84। तो मेरे हिसाब से मान ये जो वैल्यू
आ जाएंगे। इसका मैं डायरेक्ट आंसर अगर बता देता हूँ आपको, ये आ जाएगा मेरा 1.16 आ रहा मेरा। ओके नहीं एक मिनट, हाँ जस्ट इसको, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जा रहा है, लेट्स इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है? ओके सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से हो गया, अगर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो हम दूसरे मेथड से करते हैं। CO2 का मुझे पता है तो ये 0.44 है, इसको 44 से डिवाइड किया तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0.01 मोल्स मिलेंगे। तो अगर ये 0.01 मोल्स है तो ये कितने मोल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 0.02 मोल्स, ये कितने हो जाएंगे 0.02 मोल्स, ठीक है ना? तो वेट ऑफ NaCO3 कितना होगा, वेट ऑफ NaCO3 हो जाएगा 0.02 × 84, तो ये हो जाएगा 1.68 ग्राम। मतलब NaCO3 का टोटल वेट आपको कितना पता चल गया, 1.63 ग्राम। तो वेट ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, 2 माइनस x, तो x ठीक है, तो 2 माइनस टोटल मिक्सचर का वेट 2 है और मेरे 1.68 में सबट्रैक्ट कर दे रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 0.32 ग्राम, 0.32। हां आप बेसिकली ऐसे चलो, मोल्स दिए हुए, मोल्स निकालो, मोल्स से फिर इधर के मोल्स निकाले, तो यहां से हम वेट भी निकाल सकते हैं। अब वो वाला मेथड इसलिए गलत है ना बेटा, क्योंकि देखो आपको जब ये रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ये एक्स वाला मेथड मान के मत करना, तो फिर शायद आंसर हमारा गलत हो सकता है, इसलिए वो मेरा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है? इस मच बेटर जब एक ही रिएक्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट स्टोइकोमेट्री यूज करिए और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो यहां तो मुझे वेट पता चल गया, यहां तक बात समझ में? अगर दो रिएक्शन दिया हो तभी वो वाला मेथड देखना, जिसका निकालना उसको एक्स मानना और दूसरे वाले को जो भी 2 माइनस एक्स और फिर जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन उसके स्टोइकोमेट्री के मोल्स निकाल के दोनों को ऐड करके गिवन इन्फॉर्मेशन के बराबर कर देना। ये तभी करना जब दोनों रिएक्शन है, लेकिन अगर एक रिएक्शन दिया होगा तो डायरेक्ट आप स्टोइकोमेट्री मेथड से मैंने क्या निकाला, इसका वेट निकाल दिया, टोटल वेट NaCl3 का 1.68 है और टोटल वेट से मैंने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो बचा मेरा वेट किसका होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का होगा। तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.32 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 100, दिस और दिस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16% हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 16% हो जाएगा। तो यहां तक प्यारे बच्चे आपको सारी बातें समझ में आएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? एक और क्वेश्चन करते हैं फर्दर, आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है? क्वेश्चन है 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, ये होता है Cu2O, क्या बोलते हैं इसको, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या बोलते हैं क्यूप्रस, Cu2O एंड CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस इसको बोलते हैं क्यूप्रस ऑक्साइड और इसको क्या बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। एक जिस वर्ड में लगता है, एक जिस वर्ड में भी लगेगा इसका मतलब वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको मोल कांसेप्ट पार्ट 2 मतलब जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा सब चीजें, तो घबराने की कोई जरूरत आपको नहीं है, ठीक है? तो अब जैसे क्या बोला क्वेश्चन, 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑन हीटिंग गिव्स, ऑन हीटिंग गिव्स, ऑन हीटिंग गिव्स 0.88 ग्राम ऑफ Cu, 0.88 ग्राम ऑफ Cu, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CuO इन द मिक्सचर, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CuO इन द मिक्सचर। तो प्यारे बच्चों समझो बात को, अब जैसे Cu2O को जब आप हीट करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलेगा, और CuO को भी आप हीट करोगे तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो ये 2C हो जाएगा और ये हाफ O2 हो जाएगा, ये भी हाफ O2 हो जाएगा। चलो तो रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे एक्स वाला मान के मेथड कर सकते हो, क्यों? क्योंकि दो रिएक्शन है, यहाँ पे दो रिएक्शन नहीं था, इसलिए हमारा आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस मेथड में, ठीक है। सिर्फ अगर सिंगल रिएक्शन होगा तो फिर से मैं पहले बच्चों समझा, अगर सिंगल रिएक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर जिसको इन्फॉर्मेशन दिया हो उसके मैंने क्या निकाले, मोल्स निकाले, मोल्स निकाल के दूसरे वाले का मैंने जिसका मुझे निकालना था वहां से मैंने क्या किया, वेट किया, दूसरे वाले का सब्ट्रैक्ट करके मैंने कर दिया। यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते, यहाँ पे दो रिएक्शन है तो मुझे एक्स वाला मेथड ही मान के करना पड़ेगा। तो मुझे निकालना किसका CuO का है, तो इसको मैं एक्स मानता हूँ तो दूसरा मेरा 1 - x हो जाएगा, ठीक है। अब ये वेट दिया, वेट को मैं किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, मोल्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो इसका CuO का जो मेरा होता है वो 80 होगा और इसका हो जाएगा 144, इसका मोलर मास हो जाएगा 144। तो ये इतना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 2x / 144 स्टोइकोमेट्रिक मेथड, और ये कितना हो जाएगा x / 80। तो टोटल मोल्स कितने हैं, 2 - 2x, तो इसको 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेके 144 से डिवाइड कर देंगे तो 1 - x / 72 + x / 80 = आपको कॉपर का वेट कितना दिया हुआ 0.88, टोटल वेट ये मिल रहा है, तो टोटल मोल्स कितने होंगे, इसको 64 से मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। तो आप देख रहे हो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x की वैल्यू निकाल के कैलकुलेट कर सकता हूं, अगेन आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा दो रिएक्शन में एक x को मान के चलिए और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस गिवन इंफॉर्मेशन का मोल्स निकाल दिए स्टोइकोमेट्रिक से और लास्ट में टोटल मोल्स के बराबर कर दिए। ये हर क्वेश्चन में मैंने देखो यही पैटर्न ने बताया, तो बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए आपको और फर्दर आ जाएगा, ठीक है। देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं या नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके पहले दो क्वेश्चन ही आपको करने हैं, ठीक है, नीट वालों को। तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो सिर्फ जेई वालों के लिए होगा। इडियोमेट्रिक जो मैं यूडियोमेट्रिक पढ़ाने वाला हूं जो टॉपिक है वो नीट के सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन अगर आप एम्स वगैरह देना चाहते हैं, अगर कोई बच्चा एम्स में जाने की इच्छा रखता है तो उस चीज के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हाई लेवल उसमें भी नहीं पूछा जाता है। तो ये बेसिकली आप एम्स और एडवांस वालों के लिए बोल सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूडियोमेट्री है, क्या है, यूडियोमेट्री, ठीक है। अब यूडियोमेट्रिक होता है क्या भैया, एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हम लेते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होता है, बेसिकली एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला निकालने के लिए इतना क्या करना जरूरी है, स्ट्रक्चर मेन होता है ना, तो स्ट्रक्चर वगैरह के लिए जब आप ऑर्गेनिक पढ़ोगे आइसोमेरिज्म तो वहां से आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर का आइडिया पता चलेगा। बट फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सिर्फ हम एक आइडिया लगाते हैं कि इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ मेथड टू नो द अननोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, द अननोन मॉलिक्यूलर, अननोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड जनरली द कंपाउंड टेकन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली द कंपाउंड टेकन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरली द कंपाउंड टेकन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां तक पहले बच्चे आपको समझ में आ गया कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। इट इज अ मेथड टू नो द अननोन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, जनरली द कंपाउंड टेकन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, मैं समझा रहा हूं डायग्रामेटिकली फॉर्म में, जैसे ये यूडियोमेट्रिक ट्यूब होता है, क्या होता है, यूडियोमेट्रिक ट्यूब, ठीक है। इसमें कंपाउंड होता है और उसको क्या किया जाता है, कंप्लीट कंबसन कराया जाता है, क्या कराया जाता है, कंप्लीट कंबसन, बेसिकली क्या कराया जाता है, यूडियोमेट्रिक ट्यूब में कंबसन कराया जाता है कंप्लीट। और कंप्लीट कंबसन कराने के लिए मैं हमेशा ये मान के चलूंगा, कंबसन वर्ड जहां आ गया, बात हम ध्यान से सुनना, जहां वर्ड कंबसन आया मतलब आपको ये मान के चलना है कि उस समय ऑक्सीजन ऑलरेडी एक्सेस में है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है।
तो जब ये इसको जब आप इसको हीट मतलब कंबसन करोगे तो यहां पे आपको गैस कलेक्ट होगा, क्या होगा, कलेक्टिंग गैस एंड कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। यहां पे आपको क्या होगा, अब देखो जनरली कंपाउंड हमें हमेशा कौन सा लेना है, कंपाउंड मेरे पास हमेशा कौन सा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का, तो मतलब ये बात तो फिक्स है कि उसमें वाटर तो फॉर्म होंगे। तो जैसे ही आप ये कंपाउंड को, जैसे ऑब्वियस बात है आप किसी चीज को बहुत ज्यादा जलाते हो, जलने के बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ठंडा होगा। ठंडा होगा तो ऐसा मान के चलना कि अगर उस कंपाउंड से पानी निकला होगा, मतलब वाटर गैस निकला, इनिशियली तो वाटर गैस निकलेगा, लेकिन जैसे आप रूम टेम्परेचर पे उसको लाते तो वो वाटर गैस किस में कन्वर्टेड हो, वो वाटर गैस कंडेंस्ड हो जाएगा, मतलब वो वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे आ जाता है इसके दीवार पे, ठीक है, इसके आउटर बाउंड्री पे वाटर ड्रॉपलेट आता है, H2O ड्रॉपलेट। तो प्यारे बच्चों आप समझ में आ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ, आप जैसे जैसे जलाया उस गैस जो गैस मुझे इस चैम्बर में कलेक्ट हुआ उसको मैंने ठंडा किया तो वाटर इसमें 100% होगा, तो वाटर होगा तो वाटर ड्रॉपलेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे सपोज करो मेरे पास तीन गैस है, ए प्लस बी प्लस सी, तीन गैस मेरे पास अभी भी है वाटर हटने के बाद। क्यों, देखो अगर ये गैस और वाटर किस फॉर्म में चला गया, लिक्विड के फॉर्म में, तो मुझे पता है बेसिक नॉलेज सबको हम पता है क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, तो हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस हमेशा बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑब्वियस सी बात है निग्लिजेबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो मतलब यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम का रोल ही नहीं है। अब क्या होगा, इसको फिर से ट्रांसफर किया जाता है एक एब्जॉर्बेंट चैम्बर में, कौन से चैम्बर में, एब्जॉर्बेंट चैम्बर में, किसमें किया जाता है, एब्जॉर्बेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो गैस को अपने अंदर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके। आई बात समझ में, तो सपोज करो यहाँ पे कोई ऐसा मैंने एब्जॉर्बेंट लिया जो मेरा क्या हो रहा है, जो मेरा ए को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये अब खासियत इनकी क्या होगी, इस एब्जॉर्बेंट की इस खासियत होगी कि एक पर्टिकुलर गैस को ही एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा नहीं है कि जिसमें इसमें तीन गैस है ये तीनों गैस का एब्जॉर्ब करेंगे, एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बमेंट, मतलब ये भी कंपाउंड ही होता है, एक पर्टिकुलर एब्जॉर्बमेंट सिर्फ एक गैस को ही एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे एक गैस को एब्जॉर्ब किया, तो अगर मैं इसको फिर नेक्स्ट चैम्बर में पास करता हूं तो यहाँ पे कौन सा गैस मिलेगा आपको, बी और सी मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बी और सी। लेट्स से यहाँ पे मैंने V1 वॉल्यूम, V1 क्या माना मैंने, टोटल वॉल्यूम मैंने माना था यहाँ पे, ठीक है, कितना माना मैंने, V1 वॉल्यूम। यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है, V2 वॉल्यूम मिल रहा है, V2 ml मिल रहा है, टोटल गैस का जो मुझे वॉल्यूम मिल रहा है कितना मिल रहा है, V2 ml। अगेन मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एब्जॉर्बेंट से पास कर रहा हूँ, किससे पास कर रहा हूँ, एब्जॉर्बेंट से, ठीक है। ये सपोज करो सी को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या कर लिया, सी को एब्जॉर्ब कर लिया, और फाइनली जो मुझे चैम्बर में गैस मिलता वो V3 ml है, क्या V3 ml, तो ऑब्वियस बात है लास्ट में कौन सा गैस आपको मिला, बी। तो इससे दो फायदे होते हैं, पहला फायदा एक तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो, और बाद में जो प्रोडक्ट में आपको जो गैस मिलते हैं उन सबका इंडिविजुअल वॉल्यूम भी आप निकाल सकते हो, कैसे, बी का V3 हो गया और बी प्लस सी का V2 है सपोज करो, और यहाँ पे V1 है, तो ये मेरा हो गया V3, B मेरा हो गया V3, ठीक है, B प्लस C मेरा किसके बराबर है, V2 के बराबर है, तो C का वॉल्यूम मैं कितना लिखूंगा, जल्दी बोलो, V2 माइनस V3, वेरी गुड, C का वॉल्यूम हो गया V2 माइनस V3। अब A का वॉल्यूम कितना होगा, जल्दी बताओ, वेरी गुड, कितना होगा, V1 माइनस V2, क्या होगा मेरा, A का वॉल्यूम V1 माइनस V2। तो यहां से समझ में आए, तो ये पूरा प्रोसेस आपको आई होप से समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ याद रखने हैं जो मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब आपको याद क्या, आपको ये पॉइंट रट ही लेना है, इससे आपको फर्दर क्वेश्चन बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। देखो इसमें कुछ पॉइंट हमें याद रखने हैं, वो क्या याद रखने हैं, नोट बना के यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूँ, इसको भी रबी कर देता हूँ ताकि आपको फर्दर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है प्यारे,
बच्चों यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो नोट बना के आपको क्या याद रखना है। देखो CO and H2O गैस पहला पॉइंट है, CO2 and SO2 गैस आर एब्जॉर्ब्ड बाय एक्वस KOH, ठीक है। इसको हम पोटैश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पोटैश, क्या बोलते हैं बेटा पोटैश बोलते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको क्या रखना, O2 गैस इज एब्जॉर्ब्ड बाय अल्कलाइन पाइरागेलोल, इसको नाम है, मतलब ये वो वाला सॉल्यूशन है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करेगा, ये वो वाला सॉल्यूशन है जो सिर्फ CO2 और SO2 गैस को ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। O3 गैस एब्जॉर्बिंग, O3 गैस गेट्स एब्जॉर्ब इन टर्पेंटाइन ऑयल। फोर्थ पॉइंट आपका है CO गैस एब्जॉर्ब इन अमोनिकल CO2 Cl2 सॉल्यूशन। ये चार ही पॉइंट बस आपको याद रखने ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो, ठीक है। अब बिफोर इसके पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको मैं समझा देना चाहता हूँ, वो बातें क्या है समझो, कि जैसे याद है आपको मैंने एवोगाड्रो लॉ पढ़ाया था कि भैया स्टोइकोमेट्रिक रेशियो ही मेरा किसी रिएक्शन का मोल रेशियो होता है। अगर वो मेरा गैस है तो उस मोल रेशियो को मैं वॉल्यूम रेशियो भी लिख सकता हूं। मतलब यदि क्वेश्चन में अगर आपको वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट उनको मोल रेशियो के कंसिडर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपके क्वेश्चन छोटे शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन में समझा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस विल बी रिक्वायर्ड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस विल बी required, what volume of O2 gas will be required for complete combustion, for complete combustion with 18.2 liter of propane। देखो ये क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से बना सकते हो, आप इसको POC के मेथड से बना सकते हो, आप इसको स्टोइकोमेट्रिक मेथड से बना दो, दोनों मेथड में बता देता हूँ। सपोज करो प्रोपेन मेरा क्या है, C3H8 है प्लस ऑक्सीजन, तो याद है मैंने आपको पहले बोला था कभी भी ऐसा रिएक्शन है तो आपके पास दो ही प्रोडक्ट होते हैं CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करो, तीन कार्बन इधर हो गया, फोर ऑक्सीजन इधर हो गया, फाइव यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आपको ये 18.2 लीटर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप क्या करो, 18.2 लीटर मतलब 18.2 मोल्स दिए, बस बात खत्म, इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि गैस के केस में ये गैस ही है, जो भी मैक्सिमम ये क्या होते हैं गैस ही होते हैं, तो 18.2 लीटर को आप क्या मान सकते हो, आप डायरेक्ट मान सकते हो 18.2 मोल्स मान सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 18.2 है, देखो अगर स्टोइकोमेट्रिक अकॉर्डिंग जाना तो ये 18.2 है तो ये कितना होगा, ये 1:5 के रेशियो में है तो एक मोल के लिए 5 मोल्स रिक्वायर्ड है, तो 18.2 के लिए कितने होंगे, तो 18.2 इनटू 5 मतलब 91, या जिसका निकालना है 5 जिससे निकालना है 1 इनटू 18.2 तो ये 91 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, मतलब या तो आप ऐसे जाओ, नहीं तो ये बात याद रखना कि मोल रेशियो बराबर मेरा क्या होता है, वॉल्यूम रेशियो होता है, क्या होता है वॉल्यूम रेशियो। आप मैं बोल रहा हूं मैं जो इस मेथड से नहीं जाना, क्यों, क्योंकि यूडियोमेट्रिक में बेटा इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट नेवर एवर गो विद द स्टोइकोमेट्री, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ये क्वेश्चन अगर उस तरीके से, क्यों कभी, क्योंकि यहां पे तो आप डायरेक्ट बैलेंस कर दियो क्योंकि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है, यूडियोमेट्री में तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ही निकाल रहे थे तो आप कैसे बैलेंस करोगे, CH HY OZ मान लो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा तो रिएक्शन बैलेंस करने में तो हालत खराब हो जाएगी, तो डोंट गो।
आप वो मेथड ही छोड़ दो, आप डायरेक्ट पीओसी अप्लाई करो। तो इसमें पीओसी कैसे अप्लाई करेंगे, सपोज करो अप्लाइंग पीओएसी ऑन कार्बन एटम की बात करो, किसके कार्बन के, तो इसमें कितना थ्री कार्बन है इनटू मोल्स ऑफ सी थ्री एच एट, और कहीं कार्बन नहीं है। राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है, वन ही कार्बन है। तो मतलब कार्बन के एटम कितना आपको यहाँ पे देखना है, ये स्टोइकोमेट्रिक नहीं देखना आपको, ये भूल जाओ, अब ये नहीं है आपके पास। सपोज करो सिर्फ सिंपल ऐसा रिएक्शन है, तो यहाँ पे कार्बन कितना वन है, वन इंटू मोल्स ऑफ सीओ टू, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा मैं बना रहा हूँ किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए बना रहा हूँ, सबके लिए आपको बनाना है। तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, एट इंटू मोल्स ऑफ सी थ्री एच एट इक्वल टू कितना होगा, टू इंटू मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तीसरा ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन के लिए टू इंटू मोल्स ऑफ ओ टू, और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे दो प्रोडक्ट, दो जगह ऑक्सीजन है, तो टू, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, टू है, तो टू इंटू मोल्स ऑफ सीओ टू प्लस, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने है, वन इंटू मोल्स ऑफ एच टू। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझो बात को, ठीक है, मुझे करना क्या था, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता, निकाल सकता हूँ, समझो, अब मुझे निकालना था ऑक्सीजन के, तो जैसे अगर मैं क्या करूं, तो ये तो CO2 के मोल्स हो जाएंगे, H2O के सपोज करो 4, तो 4 इनटू मोल्स ऑफ C3H8 इज इक्वल टू कितना होगा, मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूं, 2 इनटू मोल्स ऑफ O2, क्या मोल्स ऑफ CO2 के किसके बराबर कर सकता हूं, 3 इनटू मोल्स ऑफ C3H8, तो 2 इनटू 3 इनटू मोल्स ऑफ C3H8 प्लस मोल्स ऑफ वाटर किस कितने के बराबर, 4 इनटू moles of C3H8, तो सबको मैंने moles of उसके बराबर ले गया, तो 2 into moles of O2 is nothing but 6 plus 4 10, 10 into moles of C3H8, तो 2 into 5, तो moles of O2 कितना हो जाएगा, 5 into 18.2, मतलब volume ratio वही मेरा, mole ratio मतलब 91। आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे बहुत थोड़ा बड़ा चला गया, थोड़ा आसान है ये, मैं आपको सिखा रहा हूँ इस तरीके से, आपको पीओसी अप्लाई करना पड़ेगा हर एटम के लिए, उस रिएक्शन के लिए, ठीक है। जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता हो तब, बात याद रखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता होगा तब पीओसी ही आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ तक चीजें बेटा आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं ताकि आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। शायद इसको मुझे रफ कर देना चाहिए, ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ कि आपने लिख लिया होगा इसको, नीट वाले बच्चों से बस मेरा यही है कि पहले दो क्वेश्चन जो कराऊंगा सिर्फ उतना ही आप करें, तीसरा क्वेश्चन जो होगा वो प्लीज आप छोड़ दीजिएगा, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट, नीट वाले बच्चे नहीं देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, पहले दो क्वेश्चन आप सीख लीजिए कैसे करना है, ठीक है, वो जरूरी है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, बाकी थोड़ा क्वेश्चन वो तीसरा वाला हाई लेवल का हो तो यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप सीखिए क्या, क्या बोला, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न कंप्लीटली, वाज बर्न completely, was burned completely 80 ml of with 80 ml of O2 at STP, at STP the remaining gas occupies, the remaining gas occupies, the remaining gas occupies, the remaining gas occupies 70 ml at STP, 70 ml at STP, 70 ml at STP, this volume become 50 ml, this volume become 50 ml on treatment with KOH solution, on treatment with aqueous KOH solution,
aqueous gives solution. What is the formula? What is the formula of hydrocarbon? प्यारे बच्चों समझो, थोड़ा बात ध्यान से समझो, ठीक है? अब मैं आपको क्या है यहाँ पे बेटा, रिएक्शन आपको नहीं पता कि मतलब रियली में ये कौन सा कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ CXHY मान के चलो, प्लस ऑक्सीजन है, किसके साथ? बंड विद ऑक्सीजन। आपको क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा और H2O। अब इसको बैलेंस करना क्या आसान है? नहीं है, मतलब फिर भूल जाओ, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री लगाने ही है, दिमाग ही नहीं लगाना। हमें क्या चलना है? यूरिया मैट्रिक्स से चलना है। देखो 10 ml दिया हुआ था इसका, कितना ml दिया हुआ है? 10 ml दिया हुआ है, ठीक है? इसका कितना दिया हुआ है? 80 ml, ठीक है? अब ये तो 90% के बाद श्योर है कि ये इसको कंप्लीट कंज्यूम कर जाएगा, मतलब ये कंप्लीट खत्म हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेस में O2 बचेगा या नहीं बचेगा? चलो मैं मान रहा हूँ बचेगा या नहीं बचेगा, हम आगे चेक कर लेते हैं, ठीक है? अब क्या मिल रहा है? देखो आपको इसको हीट करने पर क्या मिल रहा है? CO2 गैस मिल रहा है, ठीक है? वाटर तो ड्रॉपलेट फॉर्म में चला जाएगा, इसलिए वाटर का मुझे कोई काम नहीं है। और क्या बच रहा? सपोज करो O2 मिल रहा है, O2 बचेगा। क्या बचेगा? O2 बचेगा। नहीं भी हो तो आपको आगे श्योरिटी मिल जाएगी, बट फिलहाल के लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, दो गैस, ये तो कंप्लीट खत्म हो गया, जलाने पर ये कंप्लीट खत्म हो गया, इसका कोई मुझे मतलब नहीं है। तो यही तो बचेगा ना आपके पास, CO2 प्लस O2 गैस। क्या बोल रहा? द रिमेनिंग गैस ऑक्यूपाइज 70 ml, मतलब इसका कितना टोटल वॉल्यूम है? 70 ml एट STP। ये STP कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बच्चा क्या करता है, STP देखते 70/22.4 क्या जरूरत है, जब सारे ही गैस है तो मोल रेशियो को वॉल्यूम रेशियो मान लो, काम खत्म, ठीक है? तो 70 ml ये हो गया। यहां तक आपको बात समझ में आई, ठीक है? अब इसको क्या बोल रहा है, दिस वॉल्यूम बिकम ऑन 50 ml, ठीक है? 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH, मतलब अब यहां पे क्या किया जा रहा है, एक्वस KOH के साथ पास किया जा रहा है, और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि ये जो वॉल्यूम बन गया वो 50 ml बच गया। कितना बच गया आपके पास? 50 ml। तो अब ये बताओ, अगर यहाँ पे O2, यहाँ पे एक्वस KOH का क्या काम है? एक्वस KOH कौन सा गैस अब्सॉर्ब करेगा? देखो यहाँ पे पहले पॉइंट लिखा है, एक्वस KOH हमेशा किसको अब्सॉर्ब करेगा? CO2 गैस को। तो यहाँ पे तो CO2 गैस क्या हो चुका है मेरा, अब्सॉर्ब हो चुका है, खत्म। तो यहाँ पे आगे कौन सा गैस जाएगा? O2 गैस जाएगा। इसका मतलब ये है कि O2 गैस ये कौन सा है, लेफ्ट, ये गैस कौन सा? O2 जो बचा ना बेटा, तो O2 गैस का एक्चुअल में वॉल्यूम कितना मिला मुझे, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 50 ml, तो यही तो गैस बचा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, दिस वॉल्यूम बिकम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस KOH सॉल्यूशन, मतलब इसमें से अगर ये 50 ml है तो CO2 का कितना हो जाएगा, 20 ml, क्योंकि इन दोनों का टोटल वॉल्यूम 70 ml था। एक्वस KOH मत क्या करेगा भैया, उसका तो काम ही है, जहां CO2 देखा आ जाओ तुम, जल्दी आओ मेरे पास भैया, CO2 और तुमको अब्सॉर्ब करने का हक सिर्फ मेरे पर। एक्वस KOH क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा। तो बचा कुचा रेस्ट वॉल्यूम उसने ऑलरेडी बोला 50 ml, मतलब ये ऑक्सीजन मेरा बचा हुआ मतलब लेफ्ट, तो इसका मतलब O2 रिएक्टेड कितना होगा, O2 रिएक्टेड होगा 30 ml, ये रिएक्टेड। और मुझे सिर्फ POEC में याद रखना इस बात को बेटा, दिमाग के धक्कन खोल के सुन लो, O2 गैस का जो बचा कुचा वॉल्यूम होगा वो ही आपको POC में यूज नहीं करना है, आपको POC में वो वाला ऑक्सीजन यूज करना जो मेरा रिएक्ट हुआ है। यहां तक बात समझ में आए? तो 30 ml ही आपको यूज करना है, क्योंकि ये रिएक्टेड है, बचा कितना था 50 ml, ये तो रेस्ट वाला पार्ट है, मतलब जो बच गया आपका, ठीक है? तो यहां तक आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आया? कुछ नहीं। अब क्या करना, आपको फॉर्मूला नहीं पता तो सिंपल से क्या करो, बस अप्लाई POAC। तो POAC पहले मैं कार्बन पे अप्लाई करूंगा, तो ठीक है, कार्बन के यहाँ कितने एटम, एक्स एटम इनटू एक्स, ऐसे लिखता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स इनटू मोल्स ऑफ CXHY इज इक्वल टू, कार्बन के यहाँ कितने एटम, दूसरे जगह कितना दिख रहा है, 1 × मोल्स ऑफ CO2, ठीक है, एक्स। यहाँ पे 10 ml है, तो ये किसमें 10 ml किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 10 mols में कन्वर्ट हो जाएगा, 30 ml किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 30 mols में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी बोला मोल रेशियो बराबर वॉल्यूम रेशियो, तो ये कितना हो जाएगा, x into 10 बराबर कितना हो जाएगा। अब देखो CO2 का आपके पास कितना फॉर्म, कितना वॉल्यूम मिला, 20, तो 20 मोल्स हो जाएंगे यहाँ पे, तो 1 × 20, तो x equal to value कितनी है, 2y, x value कितनी है बेटा 2y, ठीक है? Now
नाउ POSC किस पर अप्लाई करना है आपको, POSCM हाइड्रोजन पर अप्लाई करना है, किस पर अप्लाई करना है हाइड्रोजन पे, तो Y into यहां पे कितने हाइड्रोजन के एटम है, Y एटम है, into moles of CXHY is equal to, ये इक्वेशन बनाने एक बार आप सीख गए तो बहुत आसान है। अब प्रोडक्ट साइड में आपको कौन सा हाइड्रोजन, किस में हाइड्रोजन दिख रहा है, वाटर में दिख रहा है, अब वाटर में हाइड्रोजन के एटम कितने, 2 है, तो 2 into moles of H2O, ठीक है, तो Y into ये moles कितने हैं 10, 2 into moles of H2O, खैर मुझे ये तो पता नहीं है, तो मैं इस पे as it is unknown form में, तो moles of H2O आपके पास कितना है, 5Y है, कितना है 5Y। हाइड्रोजन के लिए हो गया, अब मैं अप्लाई करूंगा POSC किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करूंगा, तो उधर मेरा रिएक्टेंट साइड में कौन किस में है ऑक्सीजन, O2 में है, तो कितने ऑक्सीजन है एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम है, तो 2 into moles of O2, अब ऑक्सीजन कहां था आपको प्रोडक्ट साइड दिख रहा, CO2 में दिख रहा, H2O में दिख रहा, CO2 में ऑक्सीजन के एटम कितने है, 2 है, तो 2 into moles of CO2 plus 2, अब वाटर में कितने है, 1 into moles of H2O, तो moles of O2 कितने हैं मेरे पास 30, 2 into 30 मैंने निकाला ना, ये reacted, इसलिए reacted निकालना बहुत जरूरी होता है, without reacted निकाले आप formula नहीं निकाल सकते हो, तो कभी भी आपका main target क्या होगा कि oxygen कितना excess में था, वो जाने दो कितना था excess में, कितना total लिया उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब हमेशा किससे कि आखिर वो कितना react किया, वही moles आपको यहाँ पे POC में लेने हैं, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, तो 2 into 30 moles of CO2 मेरे पास कितने हैं, 2 into 20 moles है, plus moles of water कितने हैं मेरे पास 5y, अभी निकाला मैंने 5y, तो ये कितना हो जाएगा 60 minus 40 is equal to 5y, तो that's nothing but y equal to 4, तो फॉर्मूला हो गया आपका C2H4, तो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, खुशी हुई, बड़ा सा क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन हमने चुटकियों में सॉल्व किया। अब देखो क्या होगा, जनरली आप स्टोइकोमेट्री यूज करते तो बहुत बेटर लेंथी जाता था और कोई मतलब नहीं था, इससे अच्छा POSC अप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर निकालो, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन में मजा आया होगा, तो ठीक है, अब ठीक है एक काम करते हैं, हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैं यहां पर रब नहीं कर रहा हूं, ठीक है, फिलहाल आपको ऊपर में ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से समझ समझ के, ये क्वेश्चन मैंने समझाया सेम ऐसे ही आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, 7.5 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, 7.5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन वाज एक्सप्लोडेड विद 36 ml ऑफ वाज exploded with 36 ml of O2. Exploding मतलब combustion नहीं हो गया, वो अलग अलग वर्ड में एक ही बात देगा, मतलब समझना आपको, जहां oxygen hydrocarbon है मतलब combustion नहीं कैसा हो, ठीक है, exploded with 36 ml of O2. The volume of gases on cooling, the volume of gases on cooling, the volume of gases on cooling was found to be was found to be 28.5 ml, comma 15 ml of which was absorbed by aqueous KOH आगे मतलब समझ जाओ, या तो प्रोडक्ट में SO2 होगा या तो प्रोडक्ट में CO2, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है इसका मतलब SO2। अब देखो कभी कभी कोई बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पे मैं थोड़ा पॉज ले रहा हूँ कुछ बात समझाने के लिए, कि कोई बच्चा सोचेगा सर कार्बन मोनोऑक्साइड भी तो फॉर्म हो सकता है कार्बन से, क्योंकि आप CH यहाँ पे क्या कर रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे सर कार्बन से सीधा CO2 बन रहा है, हाइड्रोजन से सीधा वाटर, यही मान के चलना बेटा, अगर CO2 फॉर्म होगा तो वो क्वेश्चन में देगा, मान लो कार्बन हाइड्रोजन के साथ सल्फर है, सल्फर के दो ऑक्साइड होते हैं या तो SO2 होगा या तो SO3, तो वो आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि SO2 फॉर्म होगा या SO3 फॉर्म होगा, तो ये बात को याद रखना, ठीक, अपने मन से कुछ मत मान दीजिएगा, ठीक है,
ठीक है, 15 ml of which was absorbed by KOH and rest was absorbed and rest was and rest was absorbed in alkaline pyrogallate. Rest absorbed in alkaline pyrogallate. Deduce the formula of hydrocarbon. Deduce the formula of हाइड्रोकार्बन. चलो बेटा फिर से हम करेंगे क्वेश्चन अच्छे लेवल के, ठीक है, समझ बात को. 7.5 ml of gaseous hydrocarbon again CXHY एक ही रिएक्शन O2 क्या देगा आपको CO2 plus H2O. ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने. टोटल आपके पास 7.5 था, ये कितना दिया हुआ है, ये 7.5 दिया हुआ है. कितने के साथ करवा रहे हैं एक्सप्लोजन, 36 के साथ करवा रहे हैं. मैं ये मान के चलता हूँ कि ऑब्वियस बात है एक्सेस में होगा, नहीं भी होगा तो आगे मुझे पता चल जाए कि ये खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है. अब क्या बोल रहा है समझो, कि जो गैस मुझे मिला CO2 और क्या मिल सकता आपको, सपोज करो ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है. तो ये जो मिल रहा है मुझे टोटल कितना था, गैसेस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू बी 28.5. मतलब ये तो 28.5 ऑन कूलिंग मिला मुझे, प्यार मुझे कितना मिला ऑन कूलिंग. फर्दर इसको किससे पास किया मैंने, एक्वस KOH. तो समझो बात का, एक्वस KOH कौन अब्सॉर्ब करेगा, CO2 गैस अब्सॉर्ब करेगा. तो CO2 गैस देखो यहां पे क्या बोल रहा है, 15 ml of which was absorbed by aqueous KOH. मतलब इसमें से 15 ml कौन अब्सॉर्ब कर लिया, CO2 गैस. इसका मतलब CO2 का ओरिजिनल में वॉल्यूम कितना हुआ, 15 ml हुआ. कितना हुआ, 15 ml. एंड रेस्ट वाज, फिर बचा ऑक्सीजन. फिर इसको भी किससे पास किया इन्होंने, उसको पास किया अल्कालाइन पायरागैलोल. किससे, अल्कालाइन पायरागैलोल, ठीक है, अल्कालाइन पायरागैलोल, ठीक है. अब समझो बात को, अब 28.5 में से 15 चला जाएगा तो यहां पे कितना ऑक्सीजन आपके पास बचा, यहां पे बचा 13.5 ml. क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ भैया कूलिंग करने पर इतना वॉल्यूम ऑफ गैस मिला एक्वस केओएच, इसमें से 15 ml गैस अब्सॉर्ब कर ले रहा, वो गैस कौन सा होगा. वैसे बता के एक्वस केओएच तो सिर्फ CO2 को अब्सॉर्ब करेगा, तो CO2 का ओरिजिनल वॉल्यूम कितना मुझे मिला, 15 ml. अब फर्दर इस जो गैस बचा उसको इन्होंने अल्कलाइन पैरागैलोल से किया, तो ऑब्वियस बात है अल्कलाइन पैरागैलोल सिर्फ किसका अब्सॉर्ब करता है, देखिए अल्कलाइन पैरागैलोल सिर्फ O2 का अब्सॉर्ब करता है, तो मतलब ये गैस ऑब्वियस बात है कौन सी होगी, O2 होगी. आई बात समझ में, ठीक है. तो ये कितना, अगर ये 15 था तो यहां पे कितना बचेगा, 13.5. मतलब ये लेफ्ट है, ये यहां पे जो ऑक्सीजन आता है वो कौन सा, लेफ्ट है ना बेटा. तो 36 में 13.5 चला गया, तो ये एप्रोक्सीमेटली कितना होता है, तो 36 माइनस 13.5 तो ये हो जाए 22.5 ml. ये रिएक्टेड हुआ, ये क्या हुआ मेरा, रिएक्टेड. ये इससे तो मुझे मतलब होता है, और सब कुछ मत करिए, ये मोल्स हो गए, ये मोल्स हो गए. CO2 का मोल्स कितना हो जाएगा, 15 मोल्स हो जाएंगे बस, सब कुछ नहीं. कार्बन के पर मैं अप्लाई कर रहा हूं POC, तो x into moles of CXHY tends to give, यहां पे सिर्फ ये तो 1 into moles of CO2, तो x into moles of C कितने हैं, 7.5 is equal to 1 into 15, तो that's nothing but 2, तो x की वैल्यू तो मेरी 2 आ गई. पहला काम खत्म. दूसरा, हाइड्रोजन का अगर मैं अप्लाई करता हूं, हाइड्रोजन के लिए मेरे कितना हो जाएगा, y into moles of CXHY is equal to कितना होगा, 2 into moles of water. तो y into 7.5 that is equal to 2 into water, मुझे नहीं पता, चलो मैं as it is ऐसे ही मान के चल रहा हूं, ठीक है, ये as it is ऐसे ही रख रहा हूं मैं, ठीक है. Now third equation जो हो जाएगा मेरा, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करता हूं तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, 2 into moles of O2 बराबर कितना होगा, 2 into कार्बन में कितना है, 2 into moles of CO2 plus 1 into moles of हाइड्रोजन, ठीक है. अब 2 into moles of ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं, ऑक्सीजन 22.5, तो दैट इज इक्वल टू 2 into moles of 15 moles मैंने निकाले,
वाटर के मतलब वन, तो वन के बराबर कितना हो जाएगा y into 7.5 by 2, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ से अब मुझे यहाँ से क्या निकालना, सिर्फ y के वैल्यू निकालनी है, तब 2 into 22.5 मेरे कितना हो जाता है, 2 into 22.5 हो जाएगा 45, 45 is equal to कितना हो जाएगा 30 plus y into 7.5 by 2, तो ये सबट्रैक्ट करूंगा तो 15 आ जाएगा y into 7.5 by 2, तो this 2, तो y again equal to कितना आएगा 4, तो C2H4 again मेरा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो आई होप सो यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं फिर से, यहीं पे मैं लिखता हूं बटर स्पेस से, ठीक है ठीक है। तीसरा क्वेश्चन नीट वाले कर सकते हैं, चौथा क्वेश्चन जेईई एडवांस वालों के लिए क्या होगा, होमवर्क होगा ये क्वेश्चन भी, आप अपने से ट्राई करिएगा क्योंकि पहले क्वेश्चन के बाद आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर सकते, तीसरा वाला नीट कर सकते, नीट वाले बच्चे कैन सॉल्व दैट। ठीक है, 10 ml ऑफ गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन क्या है, 10 ml ऑफ गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड, 10 ml ऑफ गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया बेटा तो थोड़ा खेल चेंज हो जाएगा, तो बिल्कुल आसान ना समझना, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, containing ऑक्सीजन, ठीक है CHNO, ठीक है only was mixed with 100 ml of O2, 100 ml of O2 मतलब मिक्स किया, मतलब कंबसन ही कर रहा है, ठीक है and exploded the volume of gas after explosion and cooling 90 ml, ठीक है on treatment with potash exploded the volume gas after explosion and cooling 90 ml, अच्छा ऐसे लिखते चलो 90 ml of gas obtained, ठीक है 90 ml of gas obtained, ठीक है on treatment with potash there was a further contraction मेरे साथ से देखो, अगर किसी बच्चे को या नीट वाले बच्चे को बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो डोंट वरी बेटा, फिर से मैं समझा, नीट में ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा क्योंकि इतने लेंथी क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आता, तो नीट जिसको प्योर सिर्फ बोलना, वो जो बच्चा चाहता है सिर्फ मुझे नीट का ही एग्जाम देना, एम्स वगैरह जो नहीं देना चाहता, दे कैन लीव होल यूडियो मैट्रिक होल, कोई भी बच्चा यूडियो मैट्रिक छोड़ सकता है, जो बच्चा सिर्फ नीट करना चाहता है जिसको एम्स वगैरह नहीं देना कोई टॉपिक स्किप मार सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है उसके बजाय आप नरेंद्र अवस्थी में जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो मेरे से एट अ टाइम जब आपका लेक्चर में डाउट सेशन चल रहा हो, ठीक है जब आपके लेक्चर जब ये लेक्चर जाएगा उस समय आप नीट वाले बच्चे जो सिर्फ नीट देना चाहते हैं जिनको यूडियो मैट्रिक नहीं पढ़ना है मतलब दे कैन स्किप दिस टॉपिक नो इश्यू बेटा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं क्योंकि ये नीट के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया ये सिर्फ एम्स का सिलेबस और एडवांस का सिलेबस में, इवन दो मेंस में भी नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ऑन ट्रीटमेंट विद पोटाश देयर वाज अ फर्दर कॉन्ट्रैक्शन
ऑफ 20 ml इन वॉल्यूम। तो जिस बच्चा जो नीट का देना चाहता है, जिससे क्वेश्चन मान लो नहीं समझ में, ऐसा मान के चलो कुछ बच्चे होंगे मान लो जिनको नहीं समझ, तो बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, आपको ऐसा कोई टेंशन या वो फील नहीं करना कि सर मुझे नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, जब आपके सिलेबस में नहीं है तो आप क्यों पढ़ोगे, मत पढ़ो, आप नीट पर फोकस करो, एम्स मत फोकस करो। ठीक है, तो ऐसा लो फील मत करिएगा अगर आपको नहीं आता तो, क्योंकि आपको वही पढ़ना चाहो आपके सिलेबस में। ठीक है, गिवन दैट वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, गिवन दैट वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड, गिवन दैट वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 23, डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिड्यूस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम किस तरीके से, देखो बोल क्या रहा है, टोटल आपके पास गैसेस मिक्सचर है। ठीक है, सॉल्यूशन यहां से है 10 ml ऑफ गैसेस। पहले तो आप खुद से अटेम्प्ट करिए गैसेस मिक्सचर। ठीक है, कंटेनिंग क्या, CH and O, एक्सप्लोड किया गया ऑक्सीजन के साथ, जिसका टोटल 100 ml दिया हुआ है। तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से ऑब्वियस बात है CO2 प्लस O2, दो ही गैस मिल सकता है। ठीक है, फर्दर अब देखो क्या बोल रहा है इससे। ठीक है, या फिर चलो मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में समझाता हूँ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, ठीक है, चलो ऐसे समझो, CXHYOZ प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट आपको दो ही बनेंगे बेटा, CO2 भी कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्म होगा, हाइड्रोजन वाटर में फॉर्म हो जाएगा, O2 का, ये O2, ये O2 का काम ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में जुड़ जाना, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट कोई भी हो, मतलब कंपाउंड कोई भी है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का प्रोडक्ट, सिर्फ दो ही बनेंगे। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करने में मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये टोटल 10 ml था और ये कितना दिया होगा, 100 ml दिया होगा। इनको जब एक्सप्लोड किया तो मुझे गैसेस कौन से मिल रहे, ऑब्वियस बात है अगेन CO2 और ऑक्सीजन गैस मिलेगा मुझे। अब ये क्या बोला, कंडेंस मतलब कूलिंग करने पर 90 ml ये मिल रहा है, कितना ml मिल रहा है, 90 ml, और अगेन इसको मैं किससे पास कर रहा हूं, ऑन ट्रीटमेंट विद पोटैश, मतलब पोटैश मतलब अभी मैंने बताया था एक्वस KOH, तो एक्वस KOH कौन सा एब्जॉर्ब करेगा, CO2 गैस एब्जॉर्ब करेगा। On treatment with potash, there was a further contraction of 20 ml in the volume. मतलब आपके पास यहाँ पे जो बचेगा वो कौन सा गैस होगा, O2, कितना 20 ml contraction हो गया, मतलब 20 ml घट गया, तो यहाँ पे बचा कितना 70 ml ना, इसका मतलब O2 left, this is O2 left 70 ml. So O2 कितना absorb कर लिया KOH 20 ml, तो मतलब यहाँ पे मुझे 20 पता चल गया किसके मोल, CO2 के मोल, रिएक्टेड मोल्स कितने होंगे 100 माइनस 70 मतलब 30 ml मेरे पास क्या हो जाएंगे रिएक्टेड मोल्स, ये मोल्स पता है खत्म, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे लगाइए एंड यू कैन रिड्यूस द फॉर्मूला। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं हम, ठीक है, अब क्या करना आपको, बस अप्लाई करना POEC। ठीक है, ओके, तो पहला कार्बन के ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, कार्बन के ऊपर अप्लाई करूंगा तो x into मोल्स ऑफ CXHYOZ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1 into मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब x into 10 इज इक्वल टू नथिंग बट 20, क्योंकि मोल्स ऑफ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में 20 निकाले तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो x की वैल्यू तो 2 आ गई। तो अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा, y मोल्स ऑफ CXHYOZ, वाटर में कंफ्यूजन नहीं होना, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि वाटर एज अ ड्रॉपलेट को कूलिंग करने पर ड्रॉपलेट में चला जाएगा, तो गैस मेरी लिक्विड में रहेगा, मुझे कंसीडर सिर्फ गैस को करना है यहाँ पे। ठीक है, सारा खेल मेरा गैस के लिए ही चल रहा है। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन कहाँ पे आपका, वहां पे तो 2 मोल्स ऑफ H2O, तो y 10 बराबर के होगा 2 मोल्स ऑफ H2O, तो दैट्स नथिंग बट 5, तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो गया मेरे पास, 5 हो गया। अगेन ऑक्सीजन के बाद अप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन में थोड़ा सा कहानी ट्विस्टेड है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो दोनों का आपको कंसेप्ट, तो Z into मोल्स ऑफ CXHYOZ
plus 2 into moles of O2, so that is equal to 2 into moles of CO2, और कहाँ पे आपका ऑक्सीजन है वाटर में, तो 1 into moles of water. तो यहाँ पे z कितना हो जाएगा, 10 z हो जाएगा is equal to plus moles of O2 कितने हैं मेरे पास 30 है, is equal to कितना moles of CO2 कितना हो जाएगा 2 into 20 हो जाएगा, तो moles 20 है plus ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 5y, तो 5y के बराबर moles of water मैंने यहाँ निकाले ना 5y ऊपर से. कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 2 into 30 है ना, तो 2 into 30 होगा, तो moles of O2 कितने 30, तो 2 into 30 यहाँ पे 60 हो जाएगा, sorry, ठीक है, तो 10z plus कितना हो जाएगा 40 to 20 is equal to 5y, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 5y minus 10z is equal to कितना 20, 5 से divide कर देता हूँ, तो y minus 2z is equal to कितना 4, ये पहला equation. भैया दो अननोन वेरिएबल है तो दो इक्वेशन में होना चाहिए, तो दूसरा इक्वेशन कहां से लगाएगा, देखो ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब सी एक्स एच वाई और ओ जेड का वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी बराबर हम क्या होता है सोचिए, वेपर डेंसिटी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ क्या रिलेशन होता है, ट्वाइस हो जाता है, कितना हो जाता है ये ट्वाइस हो जाता है, तो वेपर डेंसिटी को ट्वाइस मल्टीप्लाई करें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 12x plus 1 into y plus 16 into z, मुझे नंबर ही तो नहीं पता ही है, इनके का पर्टिकुलर कार्बन का तो एटॉमिक मास पता ही है, कितने कार्बन एटम है x है तो 12x, कितने हाइड्रोजन एटम है y है तो 1 into y हाइड्रोजन, और 16 z मतलब एक ऑक्सीजन का 16 और z एटम है आपके पास, ये किसके बराबर हो जाएगा 46 के बराबर हो जाएगा, तो y plus 16 z is equal to कितना हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2 निकाली यहां पे, तो x 12 2 जा 24 46 minus 24, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x की वैल्यू मैंने 2 निकाली थी, तो 12 into 2 24, 24 minus 46, 46 minus 24, तो y plus 16 z, ये मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 और 22, ठीक है, दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ पे मेरा पहला इक्वेशन आ गया y plus 16 z is equal to 22 और y minus twice z is equal to 4, सबट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस प्लस में हो जाए, तो y कैंसिल, तो 18z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, z की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो आपके पास फार्मूला क्या होगा C2H2O, C2H2O, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी है, सॉरी y की वैल्यू 6 आ गई, 2 नहीं आएगी, y की वैल्यू 6, तो ये हो जाएगा C2H6O. तो प्यारे बच्चों आपको यहां तक चीज समझ में आ गई होंगी, आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन जो होगा वो मैं आपको कल कराता हूं, आई थिंक थोड़ा आज सेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, तो फोर्थ क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, वो पहला क्वेश्चन जो होगा अपने क्लास का वो सिर्फ एडवांस वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चे पूरा स्किप कर सकते हैं या नॉलेज के लिए देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बट अगर नहीं समझ में आए तो बहुत ज्यादा हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो आई होप सो आपने बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा इस सेशन को, मैं ये मान के चलो आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, सो थैंक यू.